हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 50, 100, 200, 500 और 2000 के डिनोमिनेशन से कितने डिफरेंट सम्स बनाए जा सकते हैं, जबकि एक समय पर कम से कम 3 डिनोमिनेशन एक साथ लिए जा सकते हैं। ये डिनोमिनेशन नोट्स, कॉइन्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स हो सकते हैं जिनकी फेस वैल्यू ये दी गई है। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 3 डिनोमिनेशन के कम्बिनेशन के डिफरेंट सम फाइंड करने हैं। जैसे 3 डिनोमिनेशन के कम्बिनेशन का सम ये क्या हो सकता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट 50, 100 और 500 ले सकते हैं जिनका सम 650 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 50, 100 और 2000। ऐसे ही हमें इन 5D में से 3D लेकर डिफरेंट नंबर ऑफ सम फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट कम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर NCR भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ इनकी वैल्यू 5 हो जाएगी क्योंकि टोटल 5 डिनोमिनेशंस हैं और R की वैल्यू हमें 3 या फिर मोर देन 3 लेना है। 3D के डिफरेंट सम फाइंड करने के लिए हम R की वैल्यू 3 ले रहे हैं, इसलिए NCR 5 से 3 हो जाएगा। R3 लेने पर डिफरेंट कम्बिनेशंस 10 आ रहे हैं, इसलिए इन डिफरेंट कम्बिनेशंस के डिफरेंट सम भी 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट R4। इसके लिए टोटल 5 वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट R5। इन 5 को एक साथ लेने का केवल एक ही कम्बिनेशन या फिर वे होगा। क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी। और फाइनली इनका समेशन 16 आ जाएगा।